कांग्रेस ने दलित छात्र रोहित वेमुला के मुद्दे पर बीजेपी को केरल में घेरने की कोशिश की है। केरल में चुनावी तैयारियों के मद्देनजर राहुल गांधी का दो दिन का दौरा आज से शुरू हो रहा है और त्रिवेंद्रम में पार्टी की बैठक वाली जगह का नाम रखा गया है रोहित वेमुला नगर। कांग्रेस के इरादे और तेवर समझे जा सकते हैं। केरल में सत्ता का गणित साध रही कांग्रेस ने दलित कार्ड खेलकर साबित कर दिया कि वो हर हाल में सत्ता में वापसी का ताना बाना बुन रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज त्रिवेंद्रम में कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिलचस्प ये है कि कांग्रेस ने बैठक स्थल का नाम रोहित वेमुला नगर रख दिया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला ने हाल ही में खुदकुशी की थी। यानी कांग्रेस ने राज्य में दलित कार्ड खेलकर एक बड़े तबके को साधने की कोशिश की है। NSUI की इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। बैठक में वेमुला के मुद्दे को विस्तार से उठाया जाएगा। राहुल राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा और रणनीति पर बैठक करेंगे। उधर कर्नाटक में तंजानियाई महिला से बदसलूकी के मामले में कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने शेम ऑफ सेलेक्टिव आउटरेज शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कांग्रेस उपाध्यक्ष पर निशाना साधा है। लेख में लिखा है, इस शर्मनाक कृत्य ने एक देश के तौर पर भारत का अपमान किया है। सभी खराब चीजों के लिए संघ को जिम्मेदार ठहराने का एक भी मौका नहीं छोड़ने वाले राहुल गांधी को जागना चाहिए और चुनिंदा हमलों की इस नीति को छोड़ देना चाहिए। दादरी और हैदराबाद पहुंचने वाले राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को फोन करके ये पूछने तक की जहमत नहीं उठाई कि इस विभत्स घटना पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। 140 सदस्यीय केरल विधानसभा का चुनाव इसी साल अप्रैल मई में हो सकता है। स्थानीय चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी राज्य में अपनी हैसियत बढ़ाने का इरादा रख रही है, तो राहुल बिहार के बाद केरल में भी कांग्रेस के लिए बेहतर नतीजे की उम्मीद बांधे बैठे हैं। आज तक ब्यूरो।